ଆଜିର କାଳାଂଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାଳାଂଶ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମନାଦ କରିନେବା। ବ୍ରହ୍ମନାଦ ଓ शांति 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 स्वस्थ। आमे आमर संस्कृत गद्य कपोतलुब्धक कथार षष्ठ परिच्छेद पर्यंत आमे समस्त आलोचना करथिले एवं षष्ठ परिच्छेद भितरे जहाँ विषय वस्तु रही तार संधि समास एवं प्रश्न उत्तर मध्य आमे आलोचना करथिले एवं ताहा मुसु आपण मानु देछि एवं आपण निश्चित भाबे खातारे लिखिथिबे। आजिर आम विषय रहइबो ए जो कपोतलुब्ध कथा अछि से कपोतलुब्ध कथार अंतिम भाग आज आम आलोचना करिबा। तेणु आपण मानु समस्त पुणी ए कालांश को स्वागत करुछि। अंतिम भाग पै आम बर्तमान आलोचना करिबा। आमे पूर्वर जो विषय पढ़िथिले बा छटी अनुच्छेद को आम आलोचना करथिले सेतर किछि पूर्व ज्ञान प्रश्न बर्तमान आम आलोचना करिबा। कदा कपोति रुदती शोक मूर्छिता आसित आपण मानु सबू आलोचना है प्रश्न उत्तर भी आप जानपारे से मुक्त्यनंतरम का शोक मूर्छिता आसित कपोती मुक्त्यनंतरम शोक मूर्छिता आसित मुक्त्यनंतरम कपोती कम संस्कृत्य शोक मूर्छिता आसित मुक्त्यनंतरम कपोती भर्तारम संस्मृत्य शोक मूर्छिता आसित कपोती रुदती कुत्र प्रविवेश कपोती रुदती संदिप्तम हुतासनम प्रविवेश कपोती अपि कुत्र गतवती कपोती अपि स्वर्गम गतवती स्वर्गगत पक्षी कया सह संगत भार्या सह संगत। आमे यही पूर्वर जो छटी अनुच्छेद थिला से छटी अनुच्छेद भितरे आमे सब विषय आलोचना करिचे। जेतेबेले कपोत निजर शरीर को त्याग करिचि अतिथि पूजा करिबा बा अतिथि सत्कार करिबा प्रदर्शन करि जेतेबेले से निजर देह को त्याग करिचि सेतेबेले कपोती मध्य तार भर्तार एपरी जो अतिथि सत्कार देखी से निजक धन्य मन करिचि एवं जेतेबेले कपोतर एपरी त्याग देखी व्याध सेतेबेले व्याध मध्य समस्त पक्षी जो मानक से पंजराबद्ध कर रखिथिला से समस्त पक्षी को मुक्त कर दिछि एवं से निजर आवश्यक जो जाल जष्टि ये सब पाखरे थिला ताक सब संपूर्ण रूपे से त्याग कर दिछि एवं जेतेबेले मुक्त हो जाइछि कपोती सेतेबेले से तार भर्ता को तार स्वामी को स्मरण करी भर्तारं संस्मृत्य सा कपोती अपि संदिप्तम हुतासनम प्रविवेश से जो संदिप्त हुतासन से जो प्रज्वलित अग्नि भितरे से सब कपोती मध्य निजर जीवन को विसर्जन कर दिछि। तेणु एहिपरि पर्यंत आमे आलोचना करथिले बर्तमान आमे यार सप्तम परिच्छेद को आलोचना करिबा। सप्तम परिच्छेद बर्तमान देखिबा। एवं तौ दंपती दृष्ट्वा व्याधः सद्गतिं प्राप्तुं अचिन्तयत् एवं तौ दंपती दृष्ट्वा एवं एहिपरि भावे अनेन प्रकारेण तौ दंपती दृष्ट्वा तौ तौ इति कपोतः कपोती अपि तौ दंपती दृष्ट्वा व्याधः सद्गतिं प्राप्तुं अचिन्तयत् सेइ त कपोत दंपती को देखि व्याध सद्गति पाइबा पई चिंता कला व्याधस्य मनसि अपि सद्गतिं प्राप्तुं चिंता अजायत सह तस्मिन्नेव समये सह व्याधः अपि चिन्तयति अहम् अपि केन प्रकारेण सद्गतिं प्राप्स्यामि अतः सह तौ दंपती दृष्ट्वा व्याधः सद्गतिं प्राप्तुं अचिन्तयत् स्वजीवनं त्यक्तुं कृतनिश्चयः सह सह व्याधः स्वजीवनं त्यक्तुं निजर जीवन को त्याग करिबा पई कृत निश्चय इति दृढ़ प्रतिज्ञ दृढ़ संपूर्ण रूपे मनरे ठीक कला जे मु निश्चित भाव मोर जीवन को त्याग करदेवि सह व्याधः स्वापद संकुलं वनं प्राविशत से जो स्वापद संकुल वन जो हिंस्र जंतु मानक द्वारा परिपूर्ण होइतिबा सेई वन को प्राविशत प्रवेश कला जतः तस्य व्याधस्य मनसि अपि सह मनसि चिन्तयति अहंगपि स्वजीवनं त्यक्तुम् इच्छामि अतः सः स्वजीवनं त्यक्तुम् कृतनिश्चयः सन् सः व्याधोऽपि तत् स्वापद संकुलं वनं प्राविशत् वने महता पवनेन
द्रुमाणाम संघर्षा तस्मिन देव समय किम अवत तस्मिन बने महता पवन पवन अति प्रबल वेगेन जदा तत्र पवन बहती स्म तस्मिन देव समय महता पवन द्रुमाणाम संघर्षात द्रुमाणाम जे कलु द्रुमाहा आसन तस्मिन बने द्रुमाणाम संघर्षात संघर्ष वशात तत्रैव जुगान्ताग्नितुल्यः अग्निः द्रुमाणाम संघर्षात एव तत्र तस्मिन् वने अग्निः एव तत्र प्रज्वलितवान् अतः स अग्निः तद् वनं ददाह सेहि अग्नि वनरे अति जोरे पवन हेबा जगु गच्छगुडिकर संघर्ष जगु जो अग्नि सेठिरु उत्पत्ति हला सेहि अग्नि तद् वनं सेहि वनकु ददाह ददाह इति दहनं कृतवान् सेहि वनकु दहन करदेला बा पोड़ी देला व्याधोपि अग्नि प्रविष्टः व्याधः अपि सः व्याधः जः स्वापद संकुलं वनम् अपि प्राविशत् सः व्याधः अपि अग्नि प्रविष्टः से व्याध मध्य से वनरे लागिथिबा अग्निरे प्रवेश करिगले प्रवेश करी नष्ट पापः पराम सिद्धिं प्राप तार पाप नष्ट हेगला से नष्ट पाप होई पराम सिद्धिं प्राप श्रेष्ठ सिद्धि को लाभ कला जेतु ता मनरे पश्चाताप थिला से पश्चाताप दृष्टि से मध्य अग्निरे प्रवेश करी निजर जीवन को त्याग करदेला तेणु से मध्य नष्ट पाप हो सिद्धि लाभ कला पुण्यकर्मणा सोपि स्वर्गं गतवान निजर पुण्यकर्म हेतु सह व्याधः अपि स्वर्गं गतवान जतः सह व्याधः एव व्याध व्याधस्य मनसि एव तत् प्रायश्चितं कर्तुं इच्छा प्रबला जाता तार मनरे प्रायश्चित करिया में इच्छा हला तेणु सी कौन कला ना से बनरे जो स्वापद संकुल बन थिला से स्वापद संकुल बनरे से प्रवेश कला एवं से बनरे सृष्टि हेतुवा अग्निरे निजर जीवन को मध्य त्याग करदेला तेणु तार से गुण जोगु से पुण्यकर्म जोगु से मध्य स्वर्ग को प्रवेश कला ये थिला आमर सप्तम परिच्छेद ये होंगे अंतिम परिच्छेद एवं एथिरे जा जा संधि अच्छी आम देखि नवा सद्गति निश्चय जुगान्ताग्नितुल्य व्याधोपि सोपि एगुड़ी हूँ सब संधिपद एवं यार संधि विच्छेद लिखा जा सद्युक्त गति निहिजुक्त चय जुगजुक्त अंतुक्त अग्नितुल्य व्याधुक्त अपि सहजुक्त अपि ये हूँ एथर संधि बर्तमान आम देखा एथर सकारण विभक्ति यो वाक्य गुड़िक अच्छी वाक्य तले जो गार दि जाइए गार गुड़िकर सकारण विभक्ति ये अच्छी यथात्र अस्ति व्याध कर्तरी प्रथमा सद्गतिम कर्मणि द्वितीया स्वजीवनम कर्मणि द्वितीया स्वापद संकुलम कर्मणि द्वितीया वनम कर्मणि द्वितीया वने अधिकरणे सप्तमी महता पवनेन करणे तृतीया द्रुमाणाम संबंधे षष्ठी संघर्षात हेतौ पंचमी अग्निः कर्तरी प्रथमा अग्निम कर्मणि द्वितीया पुण्यकर्मणा करणे तृतीया सह कर्तरी प्रथमा स्वर्गम कर्मणि द्वितीया ये होची ये परिच्छेदर सकारण विभक्ति बर्तमान आम अनुच्छेद समास गुड़ी को बर्तमान आम देखा संदीप्तम सम्यक दीप्तम कर्मधारय हुताशनम हुतम अशनम जस्मै सह तम बहुब्री दंपति जायाच पतिहिच द्वंद्व समास स्वजीवनम स्वस्य जीवनम षष्ठी तत्पुरुष स्वापद संकुलम स्वापदेन बा स्वापदैहि जोटा भी आम लिखिपर स्वापदेन संकुल हतम बा स्वापदैहि संकुल हतम तृतीया तत्पुरुष जुगान्तः जुगानाम अंतः षष्ठी तत्पुरुष अग्नितुल्यः अग्नेः तुल्यः षष्ठी तत्पुरुष नष्टपापः नष्टं पापं जस्य सः बहुव्रीहि पुण्यकर्मणा पुण्यम कर्म जस्य तेन बहुव्री एवं तार अन्य गोटे विग्रह वाक्य मध्ये होची पुण्यस्य कर्म तेन षष्ठी तत्पुरुष ये होची आमर समास ए जो सप्तम परिच्छेद अच्छी शेष परिच्छेदटी से शेष परिच्छेदर एगुडी होची सब समास बर्तमान एथिर ए अनुच्छेद आम किसी संक्षिप्त प्रश्न आलोचना करिवार कौ दृष्ट्वा व्याधः सद्गतिं प्राप्तुं अचिन्तयत् तौ दंपति ये हूँ उत्तर ये जो कला रंगरे जो लिखा जाइए ये गुड़ी हूँ उत्तर एवं ये गुड़ी हूँ प्रश्न
तौ दंपति दृष्ट्वा व्याधः किं प्राप्तुम् अचिन्तयत् सद्गतिम् स्वजीवनं त्यक्तुम् कृतनिश्चयः व्याधः कुत्र प्रविवेश श्वापदसंकुलं वनम् किं तद् वनं ददाह जुगान्ताग्नितुल्यः अग्निः व्याधोऽपि कुत्र प्रविष्टः अग्निम् कीदृशः अग्निः वनं ददाह जुगान्ताग्नितुल्यः किं कृतनिश्चयः व्याधः स्वापदसंकुलं वनं प्राविशत् स्वजीवनं त्यक्तुम् अग्निं प्रविष्टः व्याधः किं प्राप परां सिद्धिं केन व्याधोऽपि स्वर्गं गतवान् पुण्यकर्मणा पुण्यकर्मणा व्याधोऽपि कुत्र गतवान् स्वर्गं गतवान् ये हूँ आम सब ये अनुच्छेद संक्षिप्त प्रश्न एवं ये गोटे दीर्घ प्रश्न आम आलोचना करवा जोटा आसे संस्कृत भाषा पंचविंशता पद ही संक्षिप्त प्रश्न जार मार्क होन मार्क या पूर्वर आठटी प्रश्न आम आलोचना करते बर्तमान ये प्रश्न हूँ व्याध कथम स्वर्ग अगछ ये प्रश्नर उत्तर हूँ मुक्त्यनंतरम कपोति वर्तारम ये उत्तर टी आप सब खातार लिखने ये हूँ सप्तम अनुच्छेदर प्रश्न बर्तमान आमर ये कपोत लुब्ध कथा पाठटी संपूर्ण पाठटी बर्तमान सरी या पूर्व आपण प्रत्येक अनुच्छेद पढ़ेला बेले मुझे संक्षिप्त प्रश्न देती तेना जो संक्षिप्त प्रश्न एक मार्क आपण मान दि जाइए मुर्वर कही आपणकर शून्य स्थान पूरण आसे एवं वन वार्ड आंसर आसे जोटा कि शून्य स्थान पूरण एक मार्क एवं वन वार्ड आंसर हूँ एक मार्क एमती एक एक मार्क लेखा आसे एवं यो से जो प्रश्न गुड़िक अच्छे से गोटे शब्द आम लिखा वन वार्ड आंसर एक मार्क उद्दिष्ट शून्य स्थान लिखले शून्य बंधनी मध्य शून्य स्थान बाछवा से एक मार्क उद्दिष्ट एवं जितेबले पूर्ण वाक्य लिखा से दुई मार्क उद्दिष्ट तेणु ये संक्षिप्त प्रश्न मुझे से एक मार्क एवं दुई मार्क ये दुईट जाक उद्दिष्ट रही सहित तीन मार्क उद्दिष्ट जहाँ से प्रश्न मुझे आलोचना करपर ये गद्य रही गद्य आपणकर दीर्घ प्रश्न संस्कृत उत्तर लिखा तीन मार्क आसे और छ मार्किया प्रश्न मैं आसे और छ मार्किया प्रश्न किसी एटारे देना मुझे छ मार्किया प्रश्न आपण मानक जो मेटेरियल हिसाब से मुझे देवी बर्तमान आप संक्षिप्त प्रश्न सब पाई तीन मार्क उत्तर आपण सब ये अच्छे आपंट परवर्त समय आपण जो छ मार्क उत्तर अच्छी तार यो गद्यर जहाँ जहाँ नोट अच्छी से नोट मु परवर्त समय आपण मानक पीडीएफ फाइल करी मु पठेबी एवं से आप प्रस्तुत होते तेनालीराम प्रथम पाठ कपोत लुब्ध कथा सरी परवर्त विषय मुझे अन्य श्रेणी में आपण सहित आलोचना करी एति रोचे धन्यवाद।